अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। की हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? लव यू भैया। बस है भाई, अभी ना एक बड़ी हादसे की बात है, आपको वो बताता हूँ। इधर आए जरा, ये तो उसका कबूतर है और ये जख्मी हो गया। बाज ने इधर इसके नाखून अपने ऐसे जकरा अपने पंजों से, और इसके पंजे ना पेट में चले गए, और इसको अभी दवाई शवाई लगाई है। अभी बिल्कुल ओके हो जाएगा जल्दी। अब आप लोग कह रहे होगे कि इसमें हादसे वाली कौन सी बात है, ये तो सैड न्यूज है कि कबूतर को बाज ने पकड़ा और इसको जख्मी कर दिया। हादसे वाली बात ये है कि कबूतर, ये दाऊद का कबूतर है और ये रहा दाऊद जो अपने कबूतरों की केयर करता है। कबूतर को बाज ने पकड़ा, अपने पंजों में जकड़ा है, छत से उड़ा के ले गया। वो सामने हवेली में जाके बैठ गया और दाऊद ने क्या किया, अपने कबूतर को वापस ले आया और उस बाज को भी पकड़ लाया जो इसके कबूतर को लेके गया था। इसको गुस्सा भी था कि मेरे को कबूतर को मारा, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग रखते हैं ना जिसके साथ हम लोग दिल से प्यार करते हैं, उसको कुछ चोट पहुंचे तो बहुत दुख लगता है। इसने बाज को पकड़ के 2-3-4 बार दीवार के साथ भी मारा है और उसका बुरा हाल करके उसको लाग पिंजरे में बंद कर दिया और इसको दवाई शवाई लगाई है। मेरी बात सुनो, उस बाज बेचारे को ना आजाद कर दो। मैंने नहीं आजाद करना, जितेंद्र कबूतर ने सही होगा, मैंने आजाद नहीं करना उसको। वो कर दो यार। नहीं, मैंने आजाद नहीं करना, ये देखो इसको कितनी ज्यादा चोट आई हुई है यार। चलो ये तो जो हो रहा हो गया, चलो उसने भी तो कुछ खाना होता ना, उसका पेट भूखा होता बेचारे का तो। यार साइज बात हो रहा है, वो कबूतर ले गया, ये अपना कबूतर नहीं लेके आया, साथ बाज भी ले आया। आ तेरी ऐसी चाची, कबूतर खाना मेरा। छोड़ दे उनू। नहीं भाई मैं नहीं छोड़ना। छोड़ छोड़ यार, आप सब लोग इसको कमेंट करें और इसको कहें कि कबूतर छोड़ दे। कबूतर मैंने नहीं छोड़ा, कबूतर नहीं बाज छोड़ दे। नहीं यार बाज मैंने छोड़ना, बाज बहुत मुश्किल से पकड़ा मैंने। इधर आ भाई, इधर देखिए, इसके अंदर बाज को बंद किया हुआ है। खोल जरा, बहुत बड़ा है, बड़ा बड़ा है। वो तो खैर, वो कुटा बड़ा ही है तेरी खैर है, तो पूरा बकरा ही हो। देखो ये देखिए कितना बड़ा बाज था उन्हें पकड़ लिया। उसने आपको कहा कुछ नहीं था? नहीं मैंने पकड़ा, इसने काटने की मैंने कांध के बाद 2-3 बार मारा, कांध के या दीवार के? दीवार के साथ 2-3 बार मारा, चुप कर बैठ गया। मैं ले आएगा। तेरी हंसी भी टासी, तेरे नहीं पता तू कबूतर के ले आना है? यार आप सब लोग एक बार कमेंट कर दो कि बाज को छोड़ दे, क्योंकि वो बेचारा पता नहीं बच्चे होंगे उसके या कुछ होगा तो इसने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा उसको। अम्मी ने भी कहा, बुढ़े भी कहा, लेकिन नहीं छोड़ रहा दाऊद। यार आपके सारे व्यूवर्स ना मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि दाऊद वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा, ये थोड़ा सा बता दो जरा एक बार। मैं बताता हूँ आपको, रोजे हैं तो मुझसे बोला नहीं जाता क्योंकि रोजा लगा हुआ होता है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, तो रोजों के बाद इंशाल्लाह रोजाना वीडियो बनाया करूंगा इंशाल्लाह। मैं गोश्त ले आया पर बाज नहीं छोड़ना। कल का ना मेरी वाइफ चली गई हुई है अपने पेके से भी साथ गया है, और मेरे नानी जान लेने आए थे वो भी चले गए हैं, तो अम्मी जान घर पे अकेले हैं। तो आज अफ्तारी में अम्मी जान की हेल्प मैं करा रहा हूँ, तो भी चलते हैं जाके अम्मी जान के साथ हेल्प कराते। बाकी सेब ना नानी जान के गाँव के आवा उधर सारे वो व्लॉग बनाएगा, तो सेब साहब व्लॉग्स के नाम से चैनल है, सारे जने एक बार जाके यार जेब में थोड़े लिए और पता लग अपने भरा दे प्यार था। ठीक है, लव यू, बात छोड़ दे। नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, ये जो चीजें निकली हुई है ना इनसे आधा काम कम हो जाता है। अम्मी जान ऐसे छील लेती है चीजें, आलू वगैरह इस तरह की चीजें, और आलू छील के आधे आधे काट के अम्मी जान ने मुझे दे दिए हैं, तो मैं इस मशीन से ना इस तरह के काट के अम्मी जान को दे दूंगा, और अम्मी जान फिर अफ्तारी में पकौड़े बनाएंगे हमारे लिए। ये जो जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू का ना ख्याल रखा करो, ये बहुत कीमती चीजें होती हैं, दोबारा नहीं मिलती। ठीक है, मतलब अगर कोई काम शाम हो ना तो आप लोग साथ मिलके करा दिया करो, क्योंकि वो आपके लिए कर रहे हैं, अपनी तो उनकी जिंदगी गुजर रही है आराम से, आपके लिए कमा रहे हैं, आपके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरी मान लियो। ठीक है भैया, बाकी तुम बड़ी छोड़ी हो, सही गल ना, आप ले आ करो। तो अभी आलू काटते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो यह वीडियो फड़ेंगे, ये देखे इतने बड़े बड़े आलू रख के ना आराम से, बस रस करना आलू कट गए। अम्मी जान भी वही कह रहे हैं कि अब्बू जान को बाहर बंदे बता रहे थे कि तेरे मुर्दा बाज कबूतर पकड़ के ले गया और तेरा पुत्र बाज ही पकड़ रहा है। सुबह है गया अपना। ये सारे आलू कट गए जी, ठीक 2 मिनट लगे हैं, और हाथ से छुरी के साथ अम्मी जान को घंटाड़े लग जाना था ये आलू काटते काटते, लेकिन मशीन की वजह से ठीक 2 मिनट में आलू अम्मी जान को काट के पकड़ा दिए। चल आ गया भाई, ये देखें इस तरह चिप्स सही निकलती है, लेकिन ये ज्यादा ब्रेक काट दिए, लेकिन जांच आ गई है, चेक करें आगे से इस तरह के काटेंगे इंशाल्लाह। बाज छोड़ दे यार। नहीं बाज नहीं छोड़ना। इधर दाऊद भी अफ्तारी में हेल्प करा रहा है,
खीरे छीरेगा या खीरों को काटेगा। अम्मी जान इधर कुकिंग कर रही है, अम्मी की कहाँ लगे भला बिरयानी। आलू कट गए, अब हम लोगों को खरबूजे काटने हैं और खीरे काटने हैं। फाड़ दरा और ले आ, ये देखे खीरे कटने लगे हैं, ये देखे खीरे कट गए हैं बिल्कुल बड़ीक बड़ीक सोने जे करके माशाल्लाह। ले आओ छेती कटिए, ये हमारे खीरे भी कट गए, लाया भी चौके इन्होंने। अब हम लोग काटेंगे खरबूजे, लाओ खबरूजे भी काट दिए हैं, खीरे भी काट दिए हैं और बाकी फिर मेरा वेला। अब हम हो गए हैं वेले, अब अफतारी का इंतजार करते हैं। यार एक सैड न्यूज है, मेरा दोस्त है गांव का ना आदिल, उसका अबजन फोत हो गए हैं आज, तो सब लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जाएगा। माशाल्लाह 1 लाख के करीब मुझे लोग देखते हैं, तो जब सब लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह कबूल होगी, तो आप सब लोग दुआ करना मेरे दोस्त के अबूजान के लिए कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। पाँच बज के 55 मिनट हो गए हैं, जनाजा पढ़ लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर, जाके इफ्तारी करनी है, तो सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक चाचू को जन्नत में जगह दें। रमज़ान के महीने में माशाल्लाह इतने प्यारे महीने में वो गए हैं, तो अल्लाह पाक उनको माफ़ कर, उनकी गलतियाँ माफ़ कर, उनके जन्नत में जगह दें। तो भी ये सब लोग जनाजा पढ़ के तो घर जा रहे हैं, वापस जाकर इफ्तारी करते हैं। दस्तरखान लग गया, अनीब बिलावल और दाऊद भी आ गया, तो अबूजान भी आ गया पकौड़े लेके। इफ्तारी में ये जो मैंने आलू काटे थे ना, ये उसके पकौड़े बने हुए हैं और ये उस आलुओं की चिप्स। आज माशाल्लाह 17वां रोज़ है और 17 रोज़ में से आज ज़्यादा प्यास लगी है, नहीं तो पहले भूख लगती थी, आज प्यास लगी है। तो राज के मैंने दूध थोड़ा पिया है, अम्मी जान ने दूध थोड़ा बनाया और खोल जा, ये ऊपर मलाई आई हुई है। अम्मी जान ने स्ट्रॉबेरी का जूस भी बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये चिप्स की तरफ देख के किस किस के पानी में मुँह आया है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आजकल ना छोटे छोटे व्लॉग आ रहे हैं क्योंकि रोजा रखा होता ना, कुछ करने को दिल नहीं करता, सुस्ती पड़ी रहती है और रोजा रखा होता ना इस वजह से। चले कोई नहीं, 10-12 रोज रह गए हैं तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर रोजाना अपनी चौना चालू ने। तो बाकी जो मैंने आपको कहा था ना कि मैंने एक आइडिया सोचा हुआ है खजाना ढूंढने वाला, मतलब वो बहुत ज़्यादा पार्ट होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की वीडियो होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि भाई जल्दी करो, जल्दी अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो। आप सबकी परमिशन मिल गई है, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे वो ब्लॉग, लेकिन उसमें टाइम लगना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, तो उस वजह से वो सब रमज़ान के बाद होगा, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आएंगी। तो इसलिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय बाय।